देखिए अब हम भी चाहते तो टैटू बनवा कर गले लग के वो रोने लगते, सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, लेकिन मुझे वैसा नहीं करना था। हम अपने मेहनत से आगे गए हैं और काजल राज हो गई और माही मनीषा और भी लोग अपने मेहनत से आगे गए हैं और हम भी अपना मेहनत से ही उनसे मुलाकात किए हैं, ना कि टैटू दुखवा कर रोने लगे गले लग गए ऐसा चिपक नहीं हाँ। चिपक नहीं, तो वैसा उनका एक प्लानिंग था, मुझे तो यही लगता है प्लानिंग, क्योंकि जब फैन थी जब तभी तो वो बनवा सकती थी, जब नेपाल में आने वाले थे जब सुनी तभी क्यों बनवाई, वो सब एक मतलब इंडस्ट्री में जाने का मौका मिल जाए। डोरी रखे चिल्ला आप बहुत चला भी बापरे, देखिए ये देखिए गंदा है कि नहीं, वही तो इतना ऐसा गाना तो इतना चला गंदे नजर से देखा जाता है, पर बहुत ऐसे लोग हैं जब हम लोग डांस करने जाते हैं तो कुछ भी कितना भी गंदा हो या कुछ भी मतलब सोचेगा लोग नहीं ऐसे बोलेंगे कि ऐसे बोलेंगे तो लड़कियों को कैसा लगेगा, नहीं ऑर्केस्ट्रा के चलना कुछ भी बोल कर निकल जाता है, कोई भी कुछ भी बोल कर निकल जाता है, बोल देता है कुछ भी, उस समय कैसा फील होता है कैसा फील। अब देखिए अब यही मेरा काम वहाँ पे तो कुछ बोलेगा लोग तो हम तो लड़ने नहीं ना जाएंगे, हम लोग का कोई वैल्यू नहीं है ऑर्केस्ट्रा, जितना भी लड़की देख रही है सबको पता होगा कोई भी वैल्यू नहीं है हम लोग का, अगर हम कुछ बोल देंगे ना ज़्यादा तो ऐसा है इस लाइन में कि कोई भी मार देगा, ये नहीं सोचेगा ना भाई लड़की है वो, आप लोग फॉलो कर लेना मुझे 7321। ऐसे लड़की से मिलाने वाले हैं जो कह सकते हैं उन लोग का दुनिया एक अलग होता है, कला का प्रदर्शन करती हैं, जो उनके अंदर कला है उससे उभर के आती हैं और रातों रात स्टार बन जाती हैं, और लाखों चाहने वाले जो युवा हैं पैसे उड़ाते हैं बहुत सारे चीज़ मतलब दीवाने हो जाते हैं, वैसे ही जिसको वायरल गर्ल के नाम से मशहूर नाम है गुड़िया, सीधे तौर पे बात करेंगे। गुड़िया जी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत स्वागत है और जो भी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं प्रेक्षक के पास। अच्छा एक चीज़ आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपका मतलब जो वीडियो था मतलब रातों रात, मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि आप रातों रात वायरल हो गई, क्योंकि बहुत सारे ऑर्केस्ट्रा वाले बहुत सारे ऐसे डांसर हैं सीधे तौर पे स्टेज परफॉर्म करती है, बुरा मत मानिएगा ऑर्केस्ट्रा वाली कहने का मतलब है, क्योंकि आप लोग कला का प्रदर्शन करती हैं, तो रातों रात स्टार कैसे बन गई हैं? अब ये देखिए ये वीडियो जो वायरल हुआ है वो तो हम नहीं किए हैं, हम एक जगह गए थे यहाँ पास के गाँव में प्रोग्राम करने तिलक का, और उस दिन लास्ट सॉन्ग बज रहा था वो वाला नन्ना दिया रे, हम खुद से बजाकर वो डांस किए थे, और पता नहीं रिहर्सल हुआ था इसका मतलब नहीं नहीं मतलब वो जब गाना नया मतलब निकला था ना तो मुझे बहुत पसंद आता था, और कहीं भी जाते थे ना हम बोलते थे अपने ऑपरेटर को जो मेरे ऑर्केस्ट्रा में, तो हम बोलते थे कि वो बजा दो वो गाना बजा, और वो नया नया था ना मुझे बहुत अच्छा लगता, तो वहाँ भी अपने फ़ोन से हम लगाकर डांस किए थे। आप कहाँ के रहने वाले? जी हम कोलकाता से। नन्ना दिया का मतलब पता होता है क्या होता है? हाँ किसको पता नहीं है, जो हस्बैंड के सिस को हाँ, सिस्टर को ननद बोला जाता है, तो ननद को गाली भी लोग देता है लो, हाँ, इसके मजाक भी करता है लोग पता है, फिर वायरल हो गया वो, वायरल हो गया उसके बाद आप फेमस हो गई बिल्कुल। तो क्या इस यहाँ तक पहुँचने में आपकी उम्र क्या होगी ये पहले बता दीजिए? मैं 18 साल की हूँ। 18 साल की, यहाँ तक पहुँचने में मेहनत तो काफी ज्यादा की होगी? बिल्कुल किए हैं, जब हम 12 साल के थे तब से इस लाइन में आए हैं। अच्छा इस लाइन में आने का मतलब क्या, कुछ का मजबूरी होता है कुछ का फैशन होता है या शौक से आई हैं? देखिए मतलब डांस तो कोई बुरा चीज़ नहीं है, डांस एक कला है और बहुत कम लोगों के पास ये होता है, और हम जो यहाँ आए हैं ना हम मजबूरी में ही आए हैं, क्योंकि हम कोलकाता मेरी मम्मी हमको पढ़ाती थी लिखाती वहीं पर रहते थे नानी के पास 8 क्लास, और जब नानी डेथ कर गई तो वहाँ किसके पास रहे, तो मम्मी के पास आकर जब रहने लगे तो बस ये काम भी स्टार्ट कर दिए घर भी, तो बस मम्मी मेरे साथ यहीं पे, मम्मी पापा ये कंपनी मतलब अच्छा, मतलब ये पार्टी चलाता है लोग पार्टी ही समझ लीजिए। हाँ तो मतलब लोग इसको गलत नज़र से देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं गलत नज़र, सिर्फ ऑर्केस्ट्रा को ही देखते हैं, और भी स्टार जो है वो भी तो डांस कर रहे हैं और भी बॉलीवुड में वो भी तो डांस, वो लोग स्टार है वो लोग बहुत अरे हीरो आई पर हीरो ऐसे बोलता है लोग, लेकिन हम लोग को हाँ हम लोग को है ऑर्केस्ट्रा वाली चल ऑर्केस्ट्रा देख बस बात यही है, ऑर्केस्ट्रा को बस बुरा माना जाता है क्योंकि ये छोटा है आप भी उस लेवल पे चले, बहुत गंदे नजर से देखा जाता है, पर बहुत ऐसे लोग हैं जब हम लोग डांस करने जाते हैं तो कुछ भी कितना भी गंदा हो या कुछ भी मतलब सोचेगा लोग नहीं ऐसे बोलेंगे कि ऐसे बोलेंगे तो लड़की को कैसा लगेगा, नहीं ऑर्केस्ट्रा के चलना कुछ भी बोल कर निकल जाता है, कोई भी कुछ भी बोल कर निकल जाता है, बोल देता है कुछ भी, उस समय कैसा फील होता है कैसा फील। अब देखिए अब यही मेरा काम वहाँ पे तो कुछ बोलेगा लोग तो हम तो लड़ने नहीं ना जाएंगे, हम लोग का कोई वैल्यू नहीं है ऑर्केस्ट्रा में, जितना भी लड़की देख रही है सबको पता होगा कोई भी वैल्यू नहीं है हम लोग का, अगर हम कुछ बोल देंगे ना ज़्यादा तो ऐसा है इस लाइन में कि कोई भी मार देगा, ये नहीं सोचेगा ना भाई लड़की है वो, ऐसा कोई नहीं सोचेगा,
इसलिए कोई भी कुछ नहीं बोलता है, बोलता है वो अपना मुंह खराब करता है, हम तो अपना काम करते हैं। पीछे में तो बहुत सारे लोग बोलते हैं। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप पवन सिंह को जानती हैं कि नहीं? बिल्कुल जानते हैं, कौन नहीं जानता है, पावर स्टार बोला जाता है उनको, और बच्चा बच्चा जानता है उनको। खेसारी जी को भी सबको जानता है, वो दोनों तो बॉलीवुड का नहीं मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में मतलब बहुत वो लोग स्टार है दोनों, तो दोनों को कौन नहीं जानेगा, ये भी पूछने वाली बात। आप बिहार में रहते हैं, बिहारी गाना सुनते हैं, तो कौन नहीं जानेगा भाई। टेटू वाली लड़की आती है जिसका नाम सोम्या पोखरेल है शायद, नेपाल से आती है, और वो कहती है कि मैं पवन सिंह कौन है नहीं जानती, जबकि उसके पहले वो रील वीडियो बनाई है उनके गाने। बिल्कुल, देखिए वो अचानक से एक टैटू बनवा ली तो इतना आगे चल गई। अब हम लोग ऐसे ही करना था तो हम लोग भी तो टैटू बनवा सकते थे ना, लेकिन हम लोग को मेहनत से आगे जाना था, और देखिए मेहनत से ही हम कितना भी आगे गए ना, चाहे फेमस हुए वायरल हुए, हम अपना मेहनत से गए हैं, ना कि टैटू से। अब देखिए वो खुद को बोलती है हम खेसारी जी के बहुत बड़े फ़ैन हैं, ऐसे बोलती है ना, तो बड़े फ़ैन है, तो खेसारी जी पवन जी को खुद के बड़े भैया बोलते हैं, मतलब हाँ पवन जी मेरे भैया है, हाँ, और वो मतलब बोलती है कि खेसारी जी के फ़ैन है, और उनके पापा हैं भैया है जो भी है वो उनको नहीं जानती, ये कैसा फ़ैन है भाई, जानना है तो सबको जानो ना, वरना किसी को मत जानो। बोलती है मनोज जी को चिनते हैं, निरहू जी को चिनते हैं, और भी बहुत ऐसे नाम बताई, और पवन सिंह को नहीं चिनते हैं। ये कौन सा बात हुआ, क्यों नहीं चिंती है, कोई तो कारण है ना, जानकर भी अनजान बनी है, मुझे तो यही स्टार होने के लिए। बिल्कुल चलू है, कट कर लीजिएगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टैटू बनवाती हैं, बिग फैन उनके हाथों पे लिखा है, मैं उनका इंटरव्यू लिया हूँ, पता नहीं आप देखे हैं, मैं करीब से देखा हूँ, लिखा था बिग फैन। मैंने पूछा प्री प्लानिंग के साथ था कि वो, हालांकि वो जो प्रोग्राम था ना उस प्रोग्राम के एक सप्ताह पहले बनवाई थी वो। सभी को आप तो एक सप्ताह बोल रहे हैं, और भी लोग आते हैं ना तो वो लोग बोलते हैं 2-3 दिन आगे बनवाई। अच्छा आप मिले हैं खेसारी लाल से? बिल्कुल मिले हैं। तो हम देखिए अब हम भी चाहते तो टैटू बनवा कर गले लग के रोने लगते, सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, लेकिन मुझे वैसा नहीं करना था, हम अपने मेहनत से आगे गए हैं, और काजल राज हो गई और माही मनीषा और भी लोग अपने मेहनत से आगे गए हैं, और हम भी अपना मेहनत से ही उनसे मुलाकात किए हैं, ना कि टैटू दुखवा कर रोने लगे गले लग गए, ऐसा चिपक नहीं के, हाँ। चिपक नहीं, तो वैसा उनका एक प्लानिंग था, मुझे तो यही लगता है प्लानिंग, क्योंकि जब फैन थी जब तभी तो वो बनवा सकती थी, जब नेपाल में आने वाले थे जब सुनी तभी क्यों बनवाई, वो सब एक मतलब इंडस्ट्री में जाने का मौका मिल जाए बस यही। एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, ये ननदिया जो सॉन्ग है आप अच्छा गुनगुनाती हैं, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा गुनगुना दीजिए। सबको पता है हम सिंगर नहीं है, लेकिन गाना सुनना ही होता है। अच्छा आपके लिए भी। हमरा पाले एगो परल बा कसाई, उके हु दोसर ना हवे तोर भाई, राते से उठता दरदिया रे ननदिया रे ननदिया रे, छाप दे कमर भर दिया। एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा मैं, जैसे कि जो लोग होते हैं आपसे संपर्क करना चाहें, प्रोग्राम कराना चाहें, एल्बम शूट कराना चाहें, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर वो आपसे मतलब संपर्क करना चाहेंगे तो कैसे हो पाएगी? संपर्क के लिए हम नंबर इंटरव्यू में दे चुके हैं, और नंबर देने का पता है क्या हुआ था, फोन किया होगा मत बोल, इतना फोन ना आप यकीन ना करोगे ना, तो कुछ दिन के लिए फोन बंद करके रखे हैं, काम वाले जो काम है वो कॉल करो ना, बेमतलब का मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, एक सेकंड के लिए भी कॉल मतलब ये नहीं कि नहीं आ रहा है, बात कर रहे हैं ना तो कम से कम 5-6 कॉल अलग अलग नंबर से, अलग अलग नंबर से, जी बाप रे मेरी मम्मी पागल हो गई थी, अभी सिम बंद करके रखी है कुछ दिनों के लिए। नंबर बोल दीजिए फिर। नहीं नहीं हम बोल चुके बाबा, अब नहीं बोलेंगे। अगर मुझे काम के लिए करिए तो मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, gudiyasinh694। गुड़िया सिंह, सिंह का मतलब सिंह क्यों लगाती है, टाइटल है? मेरा टाइटल है राजपूत हो, भूमियार। अच्छा भूमियार। मेरे पापा को बाबू साहब बोलते हैं लोग। अच्छा बाबू साहब लोग बोलते हैं, ये भुंजार हैं और भुंजार जाति से बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छा ये है। लेकिन एक चीज़ जो लड़कियां हैं भटक जाती हैं, या उनके साथ बहुत सारे मतलब इंडस्ट्रीज में जाएं, चाहे बहुत सारे मतलब आपके साथ भी बहुत सारे चीज़ मतलब ये जो लाइन है अलग लाइन है, दुनिया अलग है, जैसे कि बहुत सारे मैंने स्टारों का इंटरव्यू लिया है, उसमें ये सारी चीज़ें उभर के आती है कि इस मतलब ये मतलब इंडस्ट्रीज कैसा है।
मतलब भोजपुरी, भोजपुरी इंडस्ट्रीज और आपका जो लाइन है ये देखिए, ये लाइन मुझे बुरा नहीं लगता क्योंकि जो हम डांस करते हैं ना, तो एक ये सोच कर क्योंकि हम अपना कला दिखा रहे हैं, बाकी लोग क्या सोचते क्या नहीं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज और आपसे रोकना चाहूंगा, कला दिखाते हैं आप, हुए काजल, हुए चाहे माई मनीषा, हुए आप लोग हॉट डांस करती है, हॉट डांस समझती हैं जी? हाँ, क्या होता है हॉट डांस? अब वो हॉट डांस तो हम लोग एकदम नहीं करते ना। हाँ, बहुत लोग जो हॉट डांस करते हैं लड़के जो आगे रहते हैं, मतलब एक इंप्रेस करना पड़ता है मतलब सबको। हाँ, ये तो पता है। समाज में नहीं लगता है कि समाज में कुछ माहौल ऑर्केस्ट्रा में ही क्यों, भोजपुरी में भी तो चलता है। मतलब मैं सबको बोला हाँ, भोजपुरी से लेकर ये गलत है कि नहीं गलत? अब पब्लिक को जब यही पसंद आता है तो इसमें गलत की क्या बात है? मतलब जो हाँ, पब्लिक है कि वो डिमांड वो न, मतलब आप नहीं समझे, मतलब अब आप कोई सिंपली अभी गाना निकालो ना वो नहीं चलेगा, लेकिन थोड़ा और आप हॉट डांस बोले ना वो वाला कर दीजिए, अरे लड़कियाँ बड़ा बढ़िया नाचती है। और अगर वैसे नहीं नाचेगा ना, एक भगा भगा दूसरे को बुलाओ, ऐसे होता है, ऐसे होता है। मुजरा उजरा लोग सुनता है कि नहीं? हाँ, मुजरा मुझे बहुत पसंद है, मुझे मुजरा डांस करने में भी बहुत अच्छा लगता है। और हॉट डांस आप बोले ना तो हम या काजल राज या माही मनीषा, हम लोग शॉर्ट ड्रेस आप लोग कभी देखे? शॉर्ट ड्रेस नहीं बोला मैंने, हॉट डांस। हाँ, लेकिन एक बात बता रहे हैं ऑर्केस्ट्रा का बात, तो हम लोग शॉर्ट ड्रेस नहीं पहनते अक्सर, आप वीडियो देखे भी होंगे ना मेरा तो लहंगा में ही देखे होंगे। हाँ, लेकिन जो एक्सप्रेशन होता है वो तो करना ही पड़ेगा ना, नहीं करने से बोलेगा तो कैसा लेडीज ले आई बड़ा। अभी अभी डिमांड है कि नहीं? डिमांड बढ़ा है जब से वीडियो वायरल हुआ तब से। डिमांड ये बात नहीं है कि वायरल होने से ज़्यादा ज़्यादा हो रही है, बात सही है, लेकिन मेरा पहले से भी जहाँ भी जाते थे ना, जैसे एक होता है ना मांग कि ना ये लड़की नाची, ये लड़की नाची, ऐसे बोलता है लोग, आप देखे भी होंगे, तो पहले मेरा ऐसे होता था कि मुझे ही ज़्यादा मतलब मांग करता था लोग कि ना ये लड़की नाची, ये लड़की, लेकिन अब तो कहीं भी जाने से पहले उन लोगों को पता चल जाता है कि गुड़िया सिंह। हाँ, ये चीज़ अच्छी। अंत में क्या कहना चाहिएगा जो दर्शक हैं उनसे? जितने भी दर्शक देख रहे हैं मेरा वीडियो इतना आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही बहुत सी लड़की हैं जो खुद का कला दिखाती है, तो उनको भी मौका मिले मैं यही चाहूँगी। और बस जलन नहीं होती है? क्यों जलन होगी? बाकी स्टारों को होती है। आज मान लीजिए मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, कल आप स्टार हो जाएगा तो मुझे मिलने को गेट से भगा दीजिएगा। ऐसा क्यों? बहुत सारे आप भले मीडिया वाले, आपको कौन भगा देगा? नहीं मतलब भगाने के लिए टाइम नहीं दे पाएंगे, भागने की बात नहीं है, टाइम नहीं दे पाते हैं वो। हाँ, ये तो है, मैं बिजी हूँ। अच्छा, अभी आप बताइए। हाँ, अभी तो हम सोए थे, चाहते तो हम उठते भी नहीं क्योंकि हम 5 बजे सुबह आए हैं। उतना मतलब पॉपुलर नहीं? नहीं, ऐसा बात नहीं है, कोई भी आता, हम कितना भी नींद में रहते ना हम उठ जाते, मेरी मम्मी उठा देती। ये रूल कंटिन्यू रहेगा? बिल्कुल रहेगा, क्योंकि चैनल के वजह से ही ना, जितना भी लोग इंटरव्यू मेरा देखे तो हाँ मेरे बारे में जानना चाहिए, तो इसी के वजह से। अच्छा, आरती न्यूज वाला आया था, कैसा लगा उसका? हाँ, बहुत अच्छा लगा। लेकिन सच बताए वो बहुत चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे, वो तो उनके चिल्लाने से ना मेरा आवाज कम हो जा रहा था। एक डर सा का बोले का बने, एक होता है ना कि मतलब डर सा कि वो इतना चिल्ला रहे थे और हम धीरे धीरे बोल रहे थे, पर कोई ना, वो बहुत फ्री माइंड, मतलब बहुत अच्छा लगा उनके साथ इंटरव्यू देने में। तो मैसेज जो दे रही थी आप? यही बोल रहे थे कि जितनी भी लड़कियां हैं ऑर्केस्ट्रा में और भी डांस करती है, मुझसे भी बेटर डांस करती है, तो उनको भी मौका मिले आगे जाने का। और बस यही बोले, नंबर में बंद वाला नंबर बोल दीजिए। फिर खुलेगा ना? खुलेगा तो फिर, अब एक तो बोल दी है, बोल दीजिए उसको। पहले इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो कर लेना मुझे, 7321849312, ये नंबर काम रहेगा तो ही फोन करिएगा भैया, ऐसे मत कीजिएगा, बहुत परेशान हो जाते हैं। चलिए, ये गुड़िया गर्ल है जो कि वायरल गर्ल है, गुड़िया सिंह इनका नाम है, वायरल गर्ल है, काफ़ी फेमस है, काफ़ी बेहतरीन डांस करती है, हॉट से लेके क्लासिकल डांस तक प्रस्तुत करती है। लेकिन जैसे मैंने सारी चीज़ों को जानने का प्रयास किया कि एक नाचने वाली कह सकते हैं सीधे तौर पर ऑर्केस्ट्रा या स्टेज प्रोग्राम सीधे तौर पे, और ये कार्यक्रम बहुत पुरानों से चला आ रहा है, और ये जो कार्यक्रम है कह सकते हैं पहले कथक कह सकते हैं, कथक भी होता है, मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, मतलब राजा के दरबार में भी पहले होता था। बिल्कुल। हाँ, बहुत पहले से ये जो है ना डांस या कला, आप जो भी बोलो, बहुत पहले से चलते आ रहा है, लेकिन जब मॉडल चेंज होते जा रहा है तो इसका भी प्लेटफॉर्म चेंज होते जा रहा है। अब आगे चल के और पता नहीं कि किस टाइप का मॉडल चेंज हो जाएगा। अच्छा, गाना कुछ अश्लील होते हैं जैसे बहुत सारे गाने हैं, उस पर भी डांस करने में थोड़ा अजीब तो लगता है? मतलब देखिए, जो स्टार है ना, जैसे खेसारी जी हो गए, पवन जी हो गए, राकेश मिश्रा, ये सब जो भी है,
उतना भी बुरा गाना नहीं निकालते वो लोग। अरे मतलब, ये सब नए सिंगर है। हाँ, जैसे एक, और ये पता एक नहीं लड़का का आया था, कौन चीज छील रहा, क्या नाम डोरी रखे छील रहा, बहुत चला भी। बापरे देखिए ये देखिए गंदा है कि नहीं। वही तो, इतना ऐसा गाना तो इतना चला, आप समझ रहे ना। तो मतलब मुझे खेसारी जी, पवन जी और भी बहुत से स्टार हैं, वो लोग का गाना मुझे बुरा नहीं लगता। वो लोग जैसा भी गाना लग जाए ना, हम डांस कर लेंगे। लेकिन और भी पता नहीं कौन कौन से, मतलब ब्यास बोलते हैं लेकिन गांव में लोग डिमांड करते हैं, अजीब कौन सी छील रहा वाला का बजाइए गाना। अरे मत बोल, अभी वही चल रहा है, अब मत बोल जैसे के लिए मार हो जाता है वही गाना। बाजी तो बाजी वही भाई, कल ही तो हम लोग प्रोग्राम में गए थे तो यही हुआ था कि ना वो गाना बाजी, एक बोल रहा था नहीं बाजी, एक बोल रहा है बाजी। प्रोग्राम में कि उसके दरवाजे पे, लड़की के दरवाजे पे नहीं, जहाँ स्टेज प्रोग्राम होता है जैसे बारात लगाने के बाद द्वार पे बसता है, द्वार पे जहाँ जगह अच्छा होता है तो बोलता है लोग द्वार पे कि भोजपुरी गाना, एक बिना बाजी हिंदी बाजी। और जब गाँव के, अब क्या बोले छोड़िए, जब वो सब लड़का होता है लोग बजबे कर तो बजबे ना, तो साउंड तोड़ दे तो हाई तोड़ दे बहुत बोलता है लोग। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।